जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, ई श्रम कार्ड लेबर कार्ड ऐसा योजना है जिसमें सभी को मिलेंगे 3,000 रुपये पेंशन के तौर पे। वहीं बात करते हैं, ई श्रम लेबर पेंशन स्कीम के देश उसके असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए शुरू की गई स्कीम है। सरकार का मानना है कि इस पेंशन स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यही नहीं, उन्हें पेंशन के साथ साथ इस स्कीम में अन्य लाभ भी मिलेंगे। इसलिए सरकार असंगठित वर्ग से संबंधित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है जिससे उनका निरंतर उत्थान हो सके। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से ई श्रम कार्ड पोर्टल के माध्यम से ऐसे पात्र लोगों के आवेदन मांगे हैं जिन्हें वास्तव में सरकारी स्कीम की आवश्यकता है। वहीं योजना का लाभ लेने वाले को मिलेगा जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनकी आयु 18 से 40 साल की है, जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है, जैसे कि निर्माण करने वाले मछुआरे, नौकर, सफाई कर्मी, दर्जी, रिक्शा चालक, रेहाड़ी पटरी वाले और बुनकर आदि मजदूर हैं। दरअसल ये योजना असंगठित वर्ग के श्रमिकों को उनके वृद्धावस्था में पेंशन राशि प्रदान करने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि इस योजना में श्रमिकों को 60 वर्ष पूरे होने पर पेंशन के रूप में 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वृद्धावस्था पेंशन में अपना गुजारा कर सके। यही नहीं, यदि श्रमिकों को मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन साथी को भी 1,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग।